सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल के लाइनें जब भी हमारे कानों में पड़ती हैं, तो हमारे आंखों के सामने आजादी के वीरों की तस्वीरें तैरने लगती हैं। हम अपने देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए वीरों को याद करने लगते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में इन्हीं दो खास मौकों पर तिरंगा फहराया जाता है। इस साल पूरा देश आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी महोत्सव के तहत देश में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सभी देशवासियों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराए जाने वाले तिरंगे में क्या अंतर है, जिसकी जानकारी हर देशवासियों को होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराए जाने वाले तिरंगे में क्या फर्क होता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर उसे फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है। ऐसे 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने के लिए किया जाता है। संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। वहीं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। संविधान में इसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है, यानी कि झंडा फहराना। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, राष्ट्रपति ने तब तक पदभार ग्रहण नहीं किया था। वहीं गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं। 26 जनवरी को देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। इस अवसर के इम्पोर्टेंस को मार्क करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजधानी दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों से बच्चे भी आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।